दोस्तों, किसी के दिल को जीतने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान इंसानियत की बलबूते से कुछ ऐसा काम कर लेता है जिसे वो पूरे देशवासियों के दिल में घर बना देता है। ऐसे ही एक बहादुर आग देखने को मिली है कर्नाटक राज्य में। बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए एक एम्बुलेंस चालक ने 4.5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी, जो कि मैंगलोर से लेकर बैंगलोर की सफ़र को, एक बीमार दिल के साथ पैदा हुए 40 दिनों के बच्चे के जीवन को बचाने के लिए कंप्लीट किया है। आपको बता दें कि सैफुल आजमन नाम के बच्चे ने टोटल अनोमलस पुलमोनरी वेनस कनेक्शन नाम की एक दिल की बीमारी से पीड़ित था और उस बच्चे की चिकित्सा मैंगलोर के फादर मुलर मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल में हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक इमरजेंसी की वजह से डॉक्टरों ने बच्चे को मैंगलोर से बैंगलोर की जयदेवा हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की सलाह दी, जहां पर उनका हार्ट की जो इलाज है सक्सेसफुली हो सके। लेकिन एक दुविधा ये थी कि मैंगलोर से बैंगलोर की ये सफ़र को कम से कम समय में तय करना था और मैंगलोर से बैंगलोर की ये सफ़र को तय करने में एक एम्बुलेंस को कम से कम 7 से 8 घंटा लग सकता था। समय हाथ में कम था, खतरा ज़्यादा था। एम्बुलेंस के ड्राइवर हनीफ ने कर्नाटक पुलिस से 0 ट्रैफिक की मांग की ताकि वो इस सफ़र को जल्द से जल्द तय कर सके। और कर्नाटक पुलिस के साथ पब्लिक की सपोर्ट से हनीफ बलांजा ने 8 घंटे के सफ़र को 4 घंटे 20 मिनट में सक्सेसफुली कंप्लीट करके एक मिसाल कायम किया है। हनीफ ने पुलिस के सहयोग के लिए अपने सुरक्षित यात्रा को जिम्मेदार ठहराया है। हनीफ बलांजा को जयदेव हॉस्पिटल में उनके आगमन पर जनता और दर्शकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और उनके बहादुर कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। और पब्लिक ने रिक्वेस्ट किए है कि हनीफ को राज्य सरकार से पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो से हमें ये पता चला कि कैसे कर्नाटक पब्लिक और पुलिस के सहायता से हनीफ ने एक मासूम की बच्ची को सही सलामत हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। हम दुआ करते हैं ये बच्ची जल्द से जल्द सही सलामत घर निकले। हनीफ बलांजा की ये बहादुरी ने हम सबको ये सीख दिलाई कि जब भी हम किसी भी एम्बुलेंस को रास्ते में गुजरते हुए देखें तो जल्द से जल्द उसे रास्ता क्लियर कर दें ताकि किसी मरीज की जान बच जाए। दोस्तों, इसी के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आपको हनीफ बलांजा के बारे में अगर कुछ लिखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें एनकरेज कर सकते हैं और ऐसे ही चैनल के आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।